इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ नेहा। इस वक्त अपडेट की बात करें तो नीमच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में गुरुवार को कार्यशाला का आयोजन महेश्वरी भवन में किया गया। कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा, हेमंत शर्मा ने उपस्थित व्यापारियों से चर्चा की और व्यापारियों ने भी अधिकारियों से व्यापार में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही कुछ सुझाव भी अधिकारियों के समक्ष रखे। इस कार्यशाला में खाद्य अधिकारी ने समस्त खाद्य कारोबार करता, किराना थोके रिटेलर एवं दूध डेयरी, पान व्यवसायी, पान मसाला थोक विक्रेता व रिटेलर, मिठाई विक्रेता, रेस्टोरेंट, सब्जी व फल विक्रेता, टोस्ट निर्माता व विक्रेता, सुपर मार्केट संचालक, चाय पत्ती रिपेकर, खाद्य मंडी व्यापारी, नमकीन निर्माता व खाद्य एजेंसी आदि सभी से कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु कुछ ही व्यापारी उक्त कार्यशाला में उपस्थित हुए। आज खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जो लागू किया गया है उसकी जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारियों ने भी अपनी समस्या रखी है। हम लोग आपसी समंजस बिठाकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, साथ ही आगामी दिनों में इस प्रकार की कार्यशाला निरंतर आयोजित रहेगी। आज मुख्यतः जो खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा जो एक सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया गया था, इसमें जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, उसमें चाहे रिटेलर्स हों, होलसेलर हों, मैन्युफैक्चरर हों, उन सबको खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जो हमारे यहाँ पर लागू किया गया है पूरे भारत में, इसकी जानकारी देना और किस किस प्रकार की रिटेलर्स, होलसेलर्स, इन लोगों से, मैन्युफैक्चरर्स से गलती होती है या उनके भी मन में किसी प्रकार के कोई डाउट्स हों, ये सारी चीज़ें एक आपसी माहौल के अंदर यहाँ पे उनको क्लियर करने के लिए आज एक यहाँ पे संगोष्ठी रखी गई थी। और इसके अंदर उन लोगों के भी बड़े अच्छे प्रश्न यहाँ पर आए और उन्होंने एक कुछ बेसिक जो समस्याएं भी हम लोगों को बताई कि किस किस प्रकार की उनको व्यापार में समस्याएं आती हैं, हम लोगों ने भी पूरा प्रयास किया कि उनको हल करा जा सके और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी उनकी तरफ से आए, जिससे और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो कि FSSAI को भी लिखने के लिए हम लोगों को उसकी तैयारी हम लोग करेंगे कि उन लोगों को, व्यापारियों को अगर इस तरीके की कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सके, ये लगातार होते रहेंगे इसमें। और पूर्व में भी ऐसे हम लोगों ने पहले जैसे मंडी के अंदर किया था, उसके पहले भी सेमिनार किए थे लगातार, लेकिन अब हम लोग इसको हर 6 माह के अंदर जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे। और सभी खाद्य व्यापारी, आज जैसे मान लीजिए 50-60 व्यापारी यहाँ पर आए थे और इनके साथ में बीच में मंडी के अभी दूध विक्रेता हो गए, मिठाई वाले हो गए, इस तरीके से अलग अलग सेमिनार्स हम लोग बुला के उन लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस से ही खाद्य सामग्रियों में मिलावट को पकड़ा जा सकता है और काफ़ी हद तक उस समस्या को दूर किया जा सकता है। ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। शुक्रिया।